गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी हुई थी मुंबई में, वहां पे लेके जा रहे हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे हमें घर से वहां पहुंचने के लिए, बट काफी एक्साइटेड है, इसलिए आराम से धूप सेकते सेकते गाड़ी में गाने वाने सुनते हुए मस्त काफी एक्साइटेड हूँ। काफी दिनों बाद ऐसे यू नो शॉपिंग वाला व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। इसका होल फील एंड सोल अगर तू देखे ना, बाहर बाहर से पूरा एयरपोर्ट जैसा लग रहा है ना। हाँ, यस, सो दैट्स व्हाई वी शॉट हियर। पुराने जमाने का हमें एयरपोर्ट दिखाना था उस टाइम पे जब यू नो स्मगलिंग वगैरह बहुत होती थी वहां से, तो यहीं पे हमने टेक दिया था। ये एंट्री थी, यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है और मैं देखता हूँ कि वो लोग ना दारा के लोग स्मगलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और हम ऐसे उनको देखते हैं, नोटिस करते हैं, देन भी जाके हम लोग पठान गैंग को बताते हैं कि ऐसे ऐसे चल रहा है वहाँ पे। कमू ने अभी शूट किया था डोंगरी तो टू दुबई नाम की एक सीरीज का, और वो देखो कौन खड़ा है वहाँ पे। मानस भाई इज हियर। सो मानस भाई वाज हियर फॉर अ कंपटीशन फ्रॉम पास्ट, कितने दिन? दो दिन से। हाँ। रुको पहले भाई को अच्छे से मिल लेते हैं। उसका सामान रखवा देखो डिक्की में। भाई डिक्की में रख लो पहले तो सामान। मीटिंग हिम आल्सो आफ्टर मेनी मंथ्स। लास्ट ईयर ही मिले होंगे हम जब वो अपने कॉम्पिटिशन के लाए थे। हमें एक साल बाद मिल रहे हैं क्या? हम लोग एक साल बाद मिल रहे हैं ना, लास्ट कंपटीशन पे आए थे ना आप यहाँ पे। हाँ, एक साल बाद मिल रहे हैं। साल हुई गवा। तो भाई वॉज अराउंड दिस एरिया ओनली, तो हमने बोला कि आप हमें सीधा मिलो इस एग्जीबिशन पे, वहाँ से एग्जीबिशन भी घूमेंगे और फिर वहाँ से घर लेके जाएंगे। ओके, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए उस एग्जीबिशन पे। ये है एंट्री, और अंदर गए तो ये था पहला लुक। ऑनेस्टली पहले लुक से आई वॉज नॉट वेरी इंप्रेस्ड, ऐसे लग रहा था कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ यार। बट जैसे जैसे सामान देखना शुरू किया, यू नो ये बड़े क्यूट क्यूट से स्टूल्स, चेयर्स और यू नो होम वाली जितनी भी चीजें होती है कैटेगरी की, वो तो मुझे आपको पता ही है बहुत अच्छी लगती है। तो बड़े सुंदर सुंदर ये रग्स थे, इतनी अच्छी वैरायटी थी। सनग्लासेस बड़े अच्छे अच्छे जैसे सरोजनी या कुलाबा मार्केट में पड़े होते हैं ना वैसे, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगा कि ना लड़कों के कपड़े यहाँ पे ज्यादा अच्छे थे। कमल ट्राई कर रहा था ब्लेजर्स वगैरह, ओ माई गॉड इतनी अच्छी वैरायटी थी, और सारे ब्रांडेड थे ये, और रेट बहुत अच्छे थे यार। मतलब पार्क एवेन्यू 7-7, 6-6 हज़ार के जो ब्लेजर्स थे वो आपको यहाँ पे 2-2 हज़ार रुपए में मिल रहे थे। तो मतलब वैरायटी बहुत अच्छी थी, शेरवानी वगैरह, विंटर क्लोथ्स बहुत सारे थे। तो मतलब लड़कियों के कपड़े मुझे उतने मज़ेदार नहीं लगे, और ऑनेस्टली बताऊँ मेरा ध्यान भी नहीं गया ज़्यादा। बैग्स वगैरह तो मैंने फिर भी देखे, पर बैग्स मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये सारे वो बोल रहे थे फर्स्ट कॉपी है, बट मुझे फर्स्ट कॉपी भी नहीं लग रहे थे। पहली बात तो मुझे फर्स्ट कॉपी लेना ही नहीं था, और अगर लेना भी होता तो वो उस लायक नहीं थे कि मैं लूँ। मतलब ओके थे, बट ये छोटे छोटे वाले पर्सेस थे ग्लोबल देसी के, बहुत क्यूट थे, बड़ी अच्छी वैरायटी लगी थी। कुछ कुछ चीज़ों में तो मतलब बहुत अच्छा था, और ये ऐसे यू नो मैक्रमे वगैरह की चीज़ें, कुशन्स मेरी फेवरेट तो कुशन्स की बहुत अच्छी वैरायटी थी, पिलोज, बेडशीट्स, ये सब कुछ बहुत अच्छा सामान था। होम वाली कैटेगरी में से तो चीज़ें ले ली, बट हाँ कपड़े लड़कियों के कोई इतने कोई खास नहीं थे। सो हमने मोस्टली कम्मू की शॉपिंग करी यहाँ पे। With you, nothing else matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. Okay, so. कम्मू ने कर ली अपनी शॉपिंग, काफ़ी सारा सामान उसने अपनी यू नो बास्केट में डाल लिया है। आधा तो मैं वैसे ही कम करा दूंगी, जीन्स तो सब मैंने निकलवा दी उसकी। एनीवे मुझे बीच में यहाँ पे एक सब्सक्राइबर भी मिल गई, बहुत क्यूट सी, इतनी प्यारी सब्सक्राइबर थी, तो बड़ा अच्छा लगा मिलके। और अब टाइम आया हमारी बिलिंग का। एक टिप देना चाहूँगी, यहाँ पे पता है क्या हुआ, हमारा बिल बना 12,500, और मैं जब शॉपिंग करती हूँ आपको पता है ना, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे चलता रहता है हाँ इतने का ही होगा, इतने का ही होगा, इतने का ही होगा, तो मेरे दिमाग में ऐसे एक बिल बनता रहता है ऑटोमेटिकली। तो जब मैं काउंटर पे पहुंची और 12,500 रुपये बिल आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और वही हुआ। मैंने बिल पढ़ा तो उसमें इतनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लगी हुई थी कि फाइनली हमारा जो असली बिल था वो 10,000 का बना, ठीक है। तो मतलब 2,500 रुपये एक्स्ट्रा लगे हुए थे। प्लीज़ अगर आप ऐसी किसी भी जगह पर शॉपिंग करते हो ना, ऐसे ही मतलब जो भी मांगे वो दे के चलते मत बनो, प्लीज मेक श्योर टू चेक योर बिल अगर आप ऐसी किसी जगह पे शॉपिंग करते हो। ओके गाइस, वी आर डन विद द शॉपिंग। एंटर करते हुए ऐसे लगा था जैसे मैं तो यहाँ से कुछ नहीं खरीद पाऊंगी, मुझे मेरे हिसाब की चीजें लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी, मुझे दिखाई दिए सबसे पहले कुशन्स और फिर बेडशीट्स, थ्रोज, फिर मेरा दिल खुश हो गया, फिर मैंने वैसी वाली शॉपिंग कर ली। और कम्मू ने कपड़ों की शॉपिंग करी और मैंने थोड़ा होम डिपार्टमेंट वाली शॉपिंग करी है, बट ऑब्वियसली कल आराम से आप लोगों को
दिखाऊंगी कि क्या क्या लेके आए। अब हम जा रहे हैं कहीं पे, क्योंकि मानस भाई है यहाँ पे, तो उनके साथ हम लोग जा रहे हैं सनडाउनर के लिए, कहीं पे किसी अच्छी सी जगह बैठेंगे और खाएंगे। और आज हमने लंच नहीं किया था, आज हम ब्रंच किया था हमने, ब्रेकफास्ट लेट और अर्ली लंच टाइप्स, करेक्ट। तो अब हम खा भी लेंगे वहीं पे। ओके लेट्स गो। ओके हाउस ऑफ लॉर्ड्स पहुंचने से पहले रस्ते में एक्चुअली कमू को कुछ जान पहचान के लोग मिल गए। जान पहचान के मतलब ऐसे एनिमल फिल्म देखी थी उन्होंने और उन्होंने कमू को पहचान लिया। वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी, सो मैंने कैप्चर कर लिया। एनीवे वी हैव रीच्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अच्छी जगह है, आउटसाइड एरिया, तो मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, अच्छी वाइब थी। लेकिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, जो भी हमने मंगाया हमें बहुत ही ओके ओके लग रहा था। वी वर एक्सपेक्टिंग मच बेटर फूड हियर एट हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बिकॉज हमने इस जगह के बारे में काफ़ी सुना हुआ था। बट एनीवे वाइब अच्छी थी, एंजॉय बड़ा किया हमने मानस भाई के साथ बैठ के यहाँ। You and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려봤다고. समझ ली मास्टर शॉट कौन से हैं? दूर वाले. हाँ, जो फुल वाले हैं. ये ज्योति लिखा है ना? हाँ जी। ज्योति तक सारी कॉल्स, मतलब ज्योति से नीचे वाली कॉल्स हो चुकी हैं। ओके। तो तुम्हें ज्योति से स्टार्ट करना है, सिर्फ 5-6 कॉल्स ही हैं जो करनी है, बाकी सारी मैंने कल कर चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक्चुअली दिस इज नॉट द नेक्स्ट डे, जिस दिन आप मैं व्लॉग कर रही थी, हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, उसके बाद आई गॉट अनवेल पीरियड्स, तो आई कुडंट व्लॉग आफ्टर दैट, क्योंकि मैंने सोचा था मैं अगले दिन आपको यू नो सामान वामान दिखाऊंगी, व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी, बट वो नहीं हो पाया। और उस दिन हम लोग बस, मानस भाई भी उस दिन उनकी फ्लाइट थी, वो घर भी नहीं आए, तो उनको छोड़ के हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद आई गॉट अनवेल, उसके बाद इनफैक्ट वी हैड आर जो नेक्स्ट हमारा लॉन्च है, जिसकी मैं बात कर रही थी लास्ट वीडियो में भी, उसका शूट था। वो शूट भी बस मैंने दर्द में ही किया है कैसे करके, बट एनीवे उसके बाद 2-3 दिन हो चुके हैं और अभी आई एम फीलिंग अ बिट बेटर। एंड देन हमारी 26th वाली जो सेल थी, टुडे इज 27th, अभी भी वो सेल चल रही है, जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक तो शायद खत्म हो चुकी होगी। बट देर आर लॉट मेनी ऑर्डर्स टू पैक टुडे, तो आज मैं बहुत जल्दी मतलब ऑफिस घर से आ गई हूँ। आज बहुत सारा काम है एक्चुअली, और आज मैं आपको वो सामान भी दिखाऊंगी जो हम उस दिन शॉपिंग से लेके आए थे, तो मैंने कहा व्लॉग अभी शुरू कर लेती हूँ। आई विल जस्ट शो यू लिटिल बिट यू नो BTS अबाउट द पैकिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग, एंड या उसके बाद फिर घर जाएंगे और आपको वो सामान दिखाएंगे, ठीक है? तो चलो। ओके, तो बेसिकली एक ऐप होती है शॉपिफाई, जिस पे वेबसाइट बनी होती है और जिस पे सारी डिटेल्स होती हैं ऑर्डर्स वगैरह की। तो टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स टू फुलफिल बिकॉज ऑफ द सेल। सो द फर्स्ट स्टेप टू पैक ऑर्डर इज टू पुल आउट ऑल द साड़ीज विच वर सोल्ड। Right now, it's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. 너만을 기다려봤다고. 갈로, mercerized cotton 왈리 사디 기다려. Navy blue. So these are all the sarees that were sold out yesterday. Now we'll start packing. Abhi nikalne mein hi itna time lag gaya. But yeah, packing does take time. To
this too. I'd rather be right here with you. Nothing else matters right now. It's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. You're the one that I need. 솔직히 말해볼게. Guys, the orders are packed. And can you imagine time kya hua hai? टाइम हुआ है 1:41 यानी 2:15 और हमने पैकिंग शुरू की थी 10:30 बजे. अच्छा तुम मुझे दिखाना गए ना. हाँ तो मैं बता दूँ फिर लिखो. अच्छा पहले तुम कलेक्शन में डाल. Matters right now, it's just you and me, boy. 이대로 멈췄으면 좋겠어, 둘이. Don't take your eyes off me, baby. Okay, जी, आगे मैं ऑफिस से आके मैंने खाना खाया, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया, तो इसलिए मैंने लंच भी अब ऑलमोस्ट शाम को किया, 5 बज गए हैं. तो मैं आपको वो सामान दिखाती हूँ जो उस दिन हम शॉपिंग करके लेके आए थे. मिष्टी, नो 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 नो, डोंट इवन थिंक. मिष्टी आउट. इसी से बच के आई थी मैं कि मैं यहाँ पे शूट कर लेती हूँ, लेकिन मैं ना डोर बंद करना भूल गई और ये आ गई. बाय द वे मैं बहुत थकी हुई हूँ, एंड ऑल्सो बिकॉज माई पीरियड्स आर स्टिल नॉट ओवर. लास्ट डे है, बट यू नो हाउ इट इज लाइक आई गेट ड्रेन्ड. एनीवे, ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए उस दिन हम लोग सेल से. तो सबसे पहले मैं लेके आई ये थ्रो, एक बहुत सुंदर बहुत प्यारा थ्रो है ये, एकदम मस्त सर्दियों के लिए. अभी जो मतलब टाइम चल रहा है ना उसके लिए परफेक्ट है. मतलब मुंबई में जो हल्की हल्की सी ठंड है ना, वो सोफे पे बैठ के टीवी देखते हुए और हल्का सा कुछ ओढ़ने का मन करता है, वो परफेक्ट उसके लिए है. काफी क्रिसमसी वाइब लग रही थी मुझे, काफी डिफरेंट लग रहा था. मेरे पास और भी थ्रोज हैं बहुत सुंदर, आइकिया के 2-3 हैं, वो भी हम यूज करते हैं, बट ये काफी डिफरेंट लगा मुझे, काफी इंटरनेशनल टाइप का लगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद मैं लेके आई एक ये जैसे रनर होता है जमीन के लिए, बट ये रेड कलर का बहुत प्यारा, ये भी एक अच्छा खासा मटेरियल. वो प्राइसेस बताती हूँ. ये था आई थिंक 500 या 600 रुपीज का ये वाला थ्रो. दिस वॉज ऑल्सो अराउंड आई थिंक 400 या 500 रुपीज. अच्छा खासा है साइज का, बेड के साइड में या फिर बेड के आगे कहीं पर बिछाने के लिए. दरी वाला जो स्टाइल होता है ना वो है, काफी लंबा है, काफी अच्छा है. ये भी ऐसे था 400-500 रुपीज का. उसके बाद मैं लेके आई कुशन कवर्स. कवर्स नहीं, कुशन, जिनके ऊपर मतलब कवर सिले सिलाए होते हैं ना, वो लेके आई. ये रहे, बहुत प्यारे लगे. यू रिमेम्बर हमारे पास रेड कलर का सोफा है बाहर जो पड़ा है, तो वो सोफे के ऊपर आई वाज जस्ट इमेजिनिंग देम, बहुत प्यारे लगेंगे ये. तो मैं ऐसे 2 लेके आई, और 2-सीटर सोफा है तो उसके लिए परफेक्ट रहेंगे. फिर लव 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 ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है मशीन वाली. ये भी आई थिंक दोनों विद द फिलिंग, ये आई थिंक 400 रुपीज का एक था, तो 800 रुपीज में दोनों मिले थे. 100-150 इधर उधर हो सकता है, मुझे याद नहीं है, बट तकरीबन 400-500 की चीज थी. अच्छा उसके बाद एक चीज है जो मैं अभी नहीं दिखा रही, क्योंकि ना वो मैं थोड़ा गिफ्टिंग पर्पस के लिए लेके आई हूँ. जो हमारा नेक्स्ट लॉन्च हो रहा ना, मैंने सोचा था कि उस दिन बेसिकली जब भी कुछ ऐसा बड़ा होता है, जैसे मेरी वेबसाइट भी लॉन्च हुई थी, तो उस टाइम पे जितने भी लोग थे, आई थिंक उस टाइम पे सिर्फ रोशनी और कनिका थे, राइट, तो उन दोनों को मैंने उनकी मनपसंद साड़ियाँ दी थी. अब इस बार हमारा जो लॉन्च है उस पर भी मैंने सोचा कि कुछ हल्का सा, लाइक एक कुछ ऐसा यू नो मैं बना के रखना चाहती हूँ कि जब भी कुछ लॉन्च होगा, कुछ बहुत अच्छी बड़ी खुशी की चीज़ होगी, तो चाहे वो छोटा सा ही गिफ्ट हो, इट्स नॉट अबाउट कितना महंगा दे रही हूँ, इट्स अबाउट वो आई वॉन्ट टू कीप इट लाइक दैट, कि मैं यू नो कुछ छोटा सा एक गिफ्ट दूँ. हाँ तो उनके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ, सेम सी चीज़ें हैं. वो मैं अभी नहीं दिखा रही, वो मैं किसी और आपको व्लॉग में दिखा दूंगी जब वो मैं दे चुकी होंगी चीज़ें, अदरवाइज वो लोग व्लॉग देखेंगे. छोटी सी चीज़ें बट बहुत क्यूट है वो, मुझे बड़े प्यारे लगे थे तो मैंने ले लिए थे 3-4 चीज़ें. उसके बाद हम लेके आए कमू के लिए. भाई साहब इतने अच्छे कपड़े थे ना बाय द वे वहाँ पे लड़कों के लिए. सो ये कौन सा ब्रांड है मैं भूल गई, पार्क एवेन्यू, हाँ पार्क एवेन्यू के, जारा के, इतने अच्छे अच्छे मतलब वहाँ पे पैंट सूट और ये सब कुछ पड़ा हुआ था. तो एक हम लेके आए ये ब्लू कलर का ब्लेजर, ये 2000 रुपीज का था. ये है पार्क एवेन्यू का. कमों को ना ऐसी चीजें लगती बहुत है ऑडिशंस वगैरह में भी और आने जाने में भी. घूमता रहेगा मेरा सोना ऐसी है, टक 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 आवाज करता रहेगा. दिस इज हाउ कमल इज लुकिंग इन दिस सूट. कमू तो वॉज नॉट वॉन्टिंग टू बाय अनदर ब्लेजर, इज लाइक कि कमू सुन बहुत अच्छी डील है भाई, ले ले, और ये मेरी पसंद का है. आई नो देखने में शायद ओके ओके लग रहा हो आपको, क्योंकि वो कलर बड़ा अच्छा था, ब्राइट सा. मिस्टू नो,
बट ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा कम्मू पे, लाइक सामने से देख के इतना प्यारा लग रहा था. ये भी आई थिंक, हाँ ये है पीटर इंग्लैंड का भाई, और ये सब ओरिजिनल है, सिर्फ सरप्लस वाला या क्या है मुझे नहीं पता, बट इट वॉज रियली नाइस. वो अंदर एक वो मस्टर्ड ऑरेंज कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है. कम्मू की जब मैंने वाली फोटोज लिए ना, कम्मू वॉज नॉट ऐसे अच्छे से बना वाना नहीं हुआ था, बाल बाल सेट नहीं थे, तो मैंने ऐसे काम चलाओ फोटोज ले ली, बट दोनों सूट दोनों ब्लेजर कम्मू पे बहुत अच्छे लग रहे थे. और ये भी 2000 का है, सो ब्लेजर्स थे वो मोस्टली 2000 के थे. उसके बाद कम्मू के लिए दो शॉर्ट्स लेके आए, एक ये मिल रही थी कैल्विन क्लाइन की, ऐसी कुछ दिखती है पीछे लगा हुआ है यहाँ पे सीके का, यहाँ पे भी दिस इज द वन. ये मिली हमें 1500 रुपए की, यहाँ पे भी ऐसे कैल्विन क्लाइन लिखा हुआ है, सो ये 1500 रुपए की है. एक ये मिली और ये कुछ दिख रही है ऐसी कम्मू पे. उसके बाद एक कम्मू के पास व्हाइट शर्ट अब जो थी वो थोड़ी सी होता है ना धीरे धीरे व्हाइट कलर, थोड़ा सा ऐसा डल सा येलोइश पड़ने लग जाता है, ये शर्ट लेके आए लकोस्टी की, ये भी 1500 रुपए की है. सो कम्मू के दोनों ब्लेजर 2000 रुपए के और 1500 रुपए की दोनों शर्ट है, और मैं तो जो घर का सामान लेके आई कोई 500 रुपए की चीज है, कोई 400 की, कोई 600 की, इतना ही ऐसे. आई रियली होप मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ, सिर्फ वही एक चीज थी है ना, हाँ जो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ. हाँ सो मोर और लेस यही लेके आए. अभी मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को करते हैं एंड, पता नहीं सदियों से चलता आ रहा है ये वाला व्लॉग, मुझे ऐसा फील हो रहा है. आपको तो एक ही मतलब स्ट्रेच में दिख जाएगा, बट मैंने 4 दिन पहले 3 दिन पहले पता नहीं कब वो उस दिन शॉपिंग वाले दिन पे व्लॉग किया था और आज कर रही हूँ, बीच में बिल्कुल कनेक्ट टूट जाता है यार. इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग एंड इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.